दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आप लोगों को जो है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं और जो कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग होते हैं, जिन्हें टाइपिंग नहीं आती है, और अगर आती है तो उसकी स्पीड कम है, लिखने में दिक्कत होती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी टाइप करना नहीं आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइपिंग की कहानी ख़त्म करते हैं, और किस तरीके से आपको कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, आपके जिस भी भाषा को आप जानते हो उस भाषा में हो, आप कैसे लिख सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, जिस तरीके से आप एमएस ऑफिस चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, उसी तरीके से गूगल ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया है, और आपको यहां पर लिखना है दोस्तों docs.google.com। आप ये URL पर एक बार देख लें, ये मैंने क्या लिखा है, ये ऑनलाइन गूगल का डॉक्यूमेंट है, जिसे हम वर्ड की फाइल कहते हैं, docs.google.com। दोस्तों, मैं यहाँ एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये जो है डॉक्स का हमारी आईडी यहाँ लॉगिन है, ये ओपन होगा, और मैं चलता हूँ यहाँ पर एक ब्लैंक फोल्डर में। ये ब्लैंक फाइल यहाँ से एक ओपन हो जाएगी और अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट इसका नाम रहेगा। यहाँ पर दोस्तों मुझे कुछ टाइप करना है और मुझे कोई एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर टाइप करना शुरू किया तो ये टाइप होना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, अब हमें यहाँ पर टाइप नहीं करना है, हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होता है, अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लैपटॉप में माइक इनबिल्ट आता है। अगर आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं, या 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक, और भी बहुत महंगे सस्ते जो भी हैं माइक मार्केट में अवेलेबल हैं, USB माइक कह सकते हैं, 3.5 जैक MM माइक कह सकते हैं, जो वोया कंपनी इस टाइप के माइक आते हैं, उन्हें आप इंसर्ट कीजिए। और अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो आपको माइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लैपटॉप में जो है माइक इनबिल्ट आता है। आपको दोस्तों करना क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है शिफ्ट और कंट्रोल के साथ S, और अगर आप उसको नहीं देखना चाहते हैं तो आप टूल्स में चलिए। टूल्स में चलने के बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है वॉइस टाइपिंग, और यहाँ लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, ये एक माइक आ गया है और यहाँ लिखा है क्लिक टू स्पीक। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भाषा यहाँ पर सिलेक्ट होगी, वह भाषा में आप जो है यहाँ पर बोलकर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले यहाँ पर इंग्लिश में बता देता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और बोलना शुरू करता हूँ। हेलो, दिस इज विवेक भारद्वाज and you are watching our channel Technology with Vivek। ये देखें दोस्तों, ये मैंने जो माइक लगा रखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है वहां पर बोलना शुरू किया। हेलो, दिस इज विवेक भारद्वाज एंड यू आर वॉचिंग आर चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। ये देखिए कितना एक्यूरेट लिखा गया है। इवन UR में भी जो दोस्तों आजकल जो और ज़्यादा हम कह सकते हैं एडवांस इंग्लिश है, वो यूज़ की गई है, और यहाँ पर एक एक अक्षर जो है, एक एक स्पेलिंग जो है, वो एक्यूरेट लिखी गई है। ये इतना अच्छा इसका एल्गोरिथम गूगल डॉक्स का काम करता है वॉइस टाइपिंग में। अब दोस्तों मैं इंसर्ट करता हूँ और नेक्स्ट लाइन में चलता हूँ और हिंदी में बोलूँगा। उसके लिए मुझे करना क्या है, ये जो इंग्लिश आप US लैंग्वेज देख रहे हैं, यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अफ्रीकन से लेकर बहुत सारी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। हमें एकदम से नीचे आना है और यहाँ पर हिंदी भाषा को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जो भी बोलूँगा वो यहाँ पर हिंदी में टाइप होगा। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं।
अब दोस्तों इसी के साथ आप देख रहे हैं मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कितनी स्पीड से यहाँ टाइप हो रहा है। आप इस वीडियो में अनुमान लगा सकते हैं कि मैं इतनी स्पीड से बोल रहा हूँ और एक्यूरेट वह सभी शब्द जो है टाइप होते जा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं अभी इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना कारगर साबित हो सकता है। आप जब भी कोई एप्लीकेशन लिखें, जब भी कोई लेटर लिखना चाहें, कोई बहुत बड़ा रिसर्च सेंटेंस हो सकता है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, लेकिन टाइप भी जो है इतने जल्दी नहीं हो सकता है जितने जल्दी हम बोल कर इसको यहाँ पर लिख पा रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन जो है एक से भी कम मिनट के अंदर आपको लिखकर दिखाती हैं। इस तरीके से आप अपने काफ़ी सारे काम को कर सकते हैं, इस तरीके से आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं, और जो भी भाषा आपको लगती है सपोर्टिव उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उस भाषा को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यह माइक जो है उस भाषा में काम करने लगेगा और इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है आप आसानी से बोल कर भी किसी भी चीज़ को लिख पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया होगा। अभी ऑफलाइन एमएस ऑफिस में इस तरीके की व्यवस्था आई नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ये जो टूल आप देख रहे हैं दोस्तों ये गूगल का ऑनलाइन टूल है, ये गूगल का डॉक्स ऑनलाइन है, सर्वर बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है, ये इंटरनेट के माध्यम से चलता है, एक्सेस करते हैं हम इसको और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ आजकल होने लगा है। इस कारण से दोस्तों, क्योंकि ये गूगल ओरिएंटेड है और गूगल की एल्गोरिथम इस पर काम कर रही है, आप अभी भी इस वीडियो में देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ बोला वो एकदम से सही शुद्ध हिंदी में लिखा गया है और यहाँ पर कोई भी गलती आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, कलीग्स में, जहाँ भी जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।